मॉर्निंग आई एम रक्षा कांत फ्रॉम आईटन स्कूल जीडीसी। वेलकम टू माय क्लास हिंदी ग्रामर क्लासेस फर्स्ट टू एट। टॉपिक है हमारा भाषा, डे वन क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा भाषा किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है भाई भाषा किसे कहते हैं जिस माध्यम से मनुष्य अपने भाव और विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा भाषा किसे कहते हैं जिस माध्यम से मनुष्य अपने भाव और विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है भाई भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला है मौखिक रूप और दूसरा है इसका लिखित रूप। क्वेश्चन नंबर थर्ड है भाई मौखिक रूप किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड मौखिक रूप किसे कहते हैं। आंसर है भाषा के जिस रूप से हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं, यानी भाषा के जिस रूप से हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है गाइस लिखित रूप किसे कहते हैं। भाषा के जिस रूप से हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। भाषा का लिखित रूप किसे कहते हैं जिससे हम लिख करके अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है गाइस भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर फाइव भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो भारतीय संविधान में भाषाओं को मान्यता दी गई है वो है 22 लैंग्वेजेस को। तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो उनके नाम है फर्स्ट नंबर पे असमिया, सेकेंड बांग्ला, थर्ड बोडो, फोर्थ डोंगरी, फाइव तमिल, छठी उड़िया, सेवन नंबर गुजराती, एट कन्नड़, नाइन्थ नेपाली, टेन पंजाबी, इलेवन सिंधी, ट्वेल्व नंबर हिंदी, थर्टीन संस्कृत, फोर्टीन संथाली, फिफ्टीन मणिपुरी, सिक्सटीन कश्मीरी, सेवनटीन मराठी, एटीन तेलुगु, नाइनटीन उर्दू, ट्वेंटी कोकड़ी, 21 मैथिली और 22 मलयालम, यानी कि 22 लैंग्वेजेस को मान्यता दी गई है। उनके नाम ये है। तो गाइस ये क्या हमारी क्लास टॉपिक भाषा हिंदी ग्रामर फोर क्लासेस फर्स्ट टू एट क्लासेस के लिए। तो आज का वर्क है आपका सेम एज राइट एंड लर्न। ओके गाइस गुड बाय, थैंक यू।